नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रोहित पांडे में। और आज के इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं ओरा CNG का माइलेज टेस्ट, मतलब ओरा CNG अजीत भैया के पास है, तो आज हम लोग एक लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं। तो CNG अभी टंकी फुल होगी, मतलब टैंक जो CNG का है वो फुल होगा, और फिर देखते हैं कि कितने किलोमीटर वो चलती है, और इससे मैं बताऊंगा कि कितनी किफ़ायती है। अब आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं CNG में, वैगनार हो गई या ओरा हो गई, ये सब स्कूटी से भी चलना सस्ता है, बाइक से भी चलना सस्ता पड़ता है। तो इस चीज़ को आज प्रूव करेंगे और देखेंगे कि क्या है। वैसे CNG का अगर मैं रेट बता दूं, बनारस में तो 57.50 रुपये है। इसके अलावा अगल बगल के ज़िलों में थोड़ी CNG महंगी मिलती है, क्योंकि इन ट्रकों से ट्रांसपोर्ट होकर यहीं से जाती है अगल बगल, जैसे गाजीपुर है, मऊ है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, तो यहीं से जाती है, इसलिए वहाँ थोड़ा महंगा मिलता है, 64-65 रुपये के आसपास। और CNG में जो एवरेज आएगा वो हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी देख लेते हैं चल के गाड़ी में कि कितने किलोमीटर चली है गाड़ी, और फिर कितने किलोमीटर हम लोग उससे चलते हैं, दोबारा आकर कहीं CNG फुल कराएंगे और देखेंगे कितना CNG उसमें आता है। तो बने रहिए साथ में। जी, इसमें आधी टंकी से ज़्यादा पहले से था और हम लोग उसको फुल करा रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं आएगा, 100-150 रुपये का CNG आना चाहिए, और प्रेशर यहाँ पर 200 के ऊपर है, 200 PSI के ऊपर है, तो उससे क्या मतलब, 9 किलो CNG आता है इसमें। और हम लोग अभी पहले इसमें देखते हैं कि कितने किलोमीटर ये चलेगी और वापस आने में कितना किलोमीटर हम लोग भराते हैं। टोटल गाड़ी चली है 3732 किलोमीटर, इसकी एक सर्विस हो चुकी है और मीटर को हम लोगों ने जीरो कर दिया। अभी CNG पूरा फुल है, पहली डंडी का कोई भरोसा नहीं, CNG फुल हो गया है और पहली डंडी का कोई भरोसा नहीं है, डंडी वंडी देखना ही नहीं है हम लोग को। अब देखते हैं वापसी में कितने किलोमीटर चल के आते हैं और फिर यहीं पर फुल करा लेंगे, तो फिर उससे एवरेज एकदम बढ़िया से निकल जाएगा। और हम लोग को रोड बहुत अच्छी है, हाईवे ट्रिप इसको मानेंगे, सिटी ट्रिप नहीं मानेंगे। तो हाईवे पर कितना माइलेज दे रहा है ये आपको इससे पता चल जाएगा। और रोड अच्छी है उसका एग्जाम्पल आप अब देख सकते हैं कि रोड कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, हम लोग 4.5 किलोमीटर आ गए हैं और आपने एक खूबसूरत सा हाइपरलैप्स देखा बनारस के रिंग रोड और जो एयरपोर्ट रोड है उसका, छोटा सा 10 सेकंड का, कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और अभी हम लोग आगे चलेंगे तो और अच्छी रोड है उसको भी थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा कि कब कितने फूटी CNG इसमें कम हो रहा है और साथ में कितने किलोमीटर ये लगभग चल चुकी है। दोस्तों, अभी हम लोग बाबतपुर एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं और जो है आपने अभी जो नज़ारा देखा वो बनारस के एयरपोर्ट रोड का था। ये एयरपोर्ट रोड मोदी जी की देन है, बहुत ही शानदार रोड बनी है, आप लोगों को कैसी लगी बता सकते हैं। और हम लोग कर रहे हैं माइलेज टेस्ट ओरा CNG का साथ साथ में, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 10 किलोमीटर जब गाड़ी चल चुकी थी तब तक इसका पहला डंडी जो CNG का होता है, जो कि बहुत पहले अब गिर जाता है, वो गिर गया है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। और ऊपर देखिए एक एरोप्लेन जा रहा है, ये अभी बस जस्ट टेक ऑफ किया एक प्लेन, मैंने आपको अभी दिखाया है। और एरोप्लेन्स मुझे बहुत पसंद है, मैंने एक वीडियो डाली है विस्तारा एयरलाइंस की, जब मैं दिल्ली से वाराणसी आया था उसका फुल ब्लॉग, मेरा पहला प्लेन वाला ब्लॉग था, बहुत अच्छा तो नहीं बना है, बट मैं अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो कुछ और जर्नी करूँगा, तो आपको बड़े बड़े ब्लॉग देखने को मिलेंगे, देखिए शायद आपको नज़र आ जाए। तो पहला डंडी 10 किलोमीटर में गिर गया है, ये रहा फाइनल रिजल्ट। और अभी मैं आपको एयरपोर्ट के भी नज़ारे थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, अभी उसकी बाउंड्री आएगी आगे, तो ये ब्लॉग स्टाइल में पूरा माइलेज में बता रहा हूँ। तो मेरे ब्लॉग्स अगर आपको देखना अच्छा लग रहा हो कि मैं कुछ ठीक ठाक ब्लॉग बना लेता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको दबा लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आने वाला है एयरपोर्ट का बाउंड्री, देखिए यहाँ पर बाउंड्री थोड़ी सी तोड़ दी गई है, मुझे लगता है नई बाउंड्री बनाई जा रही है। और मैं आपको थोड़ा तो एक प्लेन लैंड हो रहा था, लेकिन अभी वीडियो में दिखेगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा दूर है, छोटा सा दिख रहा है,
तो फिलहाल यही एयरपोर्ट था, रनवे दिख रहा था, पता नहीं कैसा दिख रहा हो क्योंकि अभी मैंने खुद नहीं देखा है। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों अभी का नया अपडेट ये है कि दूसरी डंडी जो फ्यूल है वो भी घट गया है और लगभग 30 किलोमीटर जब से गाड़ी चल चुकी है, मतलब जब से हम लोग फ्यूल स्टेशन से चले हैं उसके बाद से 30 किलोमीटर चलने के बाद, बहुत ही अच्छी शानदार रोड पे चलने के बाद 30 किलोमीटर गाड़ी आई है और आपकी जो बाकी की डंडियाँ हैं वो धीरे धीरे थोड़ा नीचे आएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मीटर और सामने की शानदार रोड मैं आपको दिखा देता हूँ। बने रहिए साथ में और आपको जो है जमा समय पर मैं अपडेट देता रहूंगा कि तीसरी और चौथी डंडी कैसे कैसे खत्म हो रही है। तो आज निकालेंगे इसका एकदम परफेक्ट माइलेज, बने रहिए साथ में। हम लोगों ने जौनपुर जिला में एंट्री मार दी है और यहाँ पर रास्ता खराब शुरू हो गया है, लेकिन बात यहाँ पर वो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को अपडेट देना है वो ये कि तीसरी डंडी जो इसकी सीएनजी की थी वो अभी अभी ख़त्म हुई है और लगभग 54 किलोमीटर ये सीएनजी स्टेशन से चल चुकी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार मीटर और रोड का नज़ारा। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ से जहाँ हम लोग को जाना था लगभग वहाँ आ गए हैं, यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे तो फिर हमें लगभग 54 किलोमीटर वापस चलना ही है, कम से कम 54-55 किलोमीटर। तो तीन डंडी और भी ख़त्म हो सकती है, उसके बाद भर आएंगे फिर देखते हैं क्या होता है, बने रहिए साथ में। लिए था हमारे बल्कि मेरे पास लिया भैया, कितना किलोमीटर चली है। अभी हम लोग एक छोटे से काम की वजह यहाँ रुक गए हैं और यहाँ पर हम लोग खाएंगे भुट्टा गरम गरम खाया जा सकता है कोरोना में, क्योंकि शायद आग से जल जाता होगा कोरोना भुट्टे का ना। चलिए तो अभी हम लोग का जो एवरेज वाला वीडियो बन रहा है, अभी तो हम लोग रुके हुए हैं, फिलहाल हम लोग 60 किलोमीटर लगभग कम्प्लीट करने वाले हैं और आगे वैसे रेलवे क्रॉसिंग भी बंद है, लग रहा है भगवान चाहते हैं कि चिंटू भी हम लोग के साथ चले। ठीक है फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों अभी करंट ले का अगर हम लोग हाल बताते हैं तो हम लोग 105 किलोमीटर चल चुके हैं और गाड़ी की जो है लगभग 5 डंडी ख़त्म हो गई है और लगभग आधी टंकी तो लगभग ख़त्म होने वाली है। तो इस हिसाब से 210-220 के ऊपर ही टोटल चलेगी एक फुल टैंक में, जहाँ तक उम्मीद है, और भी चल सकती है लेकिन अभी हम लोग चलेंगे फिर देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 168 मान लेते हैं और टोटल 3900 किलोमीटर गाड़ी ये चल चुकी है और जब से हमने इसे स्टार्ट किया है तब से हमने इसे 168 किलोमीटर चलाया है और तीन डंडी सीएनजी अभी बचा हुआ है। अब चलते हैं सीएनजी स्टेशन पे और इसमें सीएनजी फुल भराएंगे और देखते हैं कि कितने किलो सीएनजी इसमें आ जाती है। सेम पंप से भराएंगे ताकि सेम प्रेशर हो और टंकी में सेम जो है सीएनजी जितनी भी खाली हुई हो उतना ही आए। तो सीएनजी पे हम लोगों ने सीएनजी भराया पंप पे और यहाँ पर 405 रुपये का लगभग 7 किलो सीएनजी यहाँ पर भरा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 404.63 रुपये का 7 किलो 37 ग्राम सीएनजी और प्रेशर भी आप देख सकते हैं लगभग 200 के आसपास है, मॉर्निंग में भी लगभग 200 के आसपास ही था। तो दोस्तों अब हम आराम से घर पर चल के कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे ये स्कूटी से भी चलना इसे सस्ता पड़ता है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं घर और अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी गाड़ी ने एवरेज कितना दिया है, हाईवे टूर था या पूरा हाईवे टूर, तो और ये भी बताएंगे कि कैसे ये स्कूटी और बाइक से चलने में सस्ता पड़ता है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 168 किलोमीटर हम लोग चले थे, आपने देखा होगा स्क्रीन पे जो हमारे मीटर का आपको वीडियो में था लास्ट में, तो 168 किलोमीटर चलने में हमने खर्च किए थे लगभग 7 किलो सीएनजी। तो 7 किलो सीएनजी अगर हम बात करते हैं तो 168 के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो लगभग 24 किलोमीटर पर केजी सीएनजी हमने यूज़ किया है।
तो यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि बीच बीच में हम लोग कई जगह जो है 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक के लिए एसी में 2-3 जगह नॉर्मल चला करके खड़े थे। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 किलोमीटर आराम से और जोड़ सकते हैं, मतलब 26 से 27 किलोमीटर पर केजी आप जो है सीएनजी में एवरेज ऑरा का आराम से निकाल सकते हैं। और ये भी तब जब अभी गाड़ी की सिर्फ पहली सर्विस हुई है, पहली सर्विस मतलब गाड़ी की धुलाई हुई है, लेकिन जब थर्ड सर्विस हो जाएगी 10,000 किलोमीटर के बाद तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पर केजी सीएनजी का जो माइलेज और अच्छा आएगा। यानी ओवरऑल अगर हाईवे पे बात करते हैं लॉन्ग रन में तो आपको ऑरा सीएनजी आपकी आराम से 28 से 30 का एवरेज दे देगी। 28 तो कहीं नहीं गया है, हाईवे पे सिटी में 22 23 24 का एवरेज आपको यहाँ पर केजी मिल जाएगा, इसमें कोई भी शक है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं तो 1 किलो सीएनजी की कीमत है 57.50 रुपये और 57.50 रुपये में आप चल रहे हैं लगभग 25 किलोमीटर, यानी मान लीजिए 60 रुपये में मोटा मोटी आप 25 किलोमीटर चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको 1 किलोमीटर चलने में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, लगभग 2.25 रुपये। ठीक है, आपको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि आपको लगभग 2.25 रुपये यहाँ पर देने पड़ रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं पेट्रोल स्कूटी की, तो मेरे पास हीरो माइस्ट्रो स्कूटी है। स्कूटी का एवरेज जनरली बाइक से कम ही होता है। अगर आपके पास स्प्लेंडर पैशन वगैरह बाइक है तो उसमें आप 50-55 तक का एवरेज मैक्सिमम निकाल सकते हैं, और स्कूटी की अगर हम बात करते हैं तो 35-40 से ज़्यादा का एवरेज नहीं देती है। और आप भराते हैं 90-100 रुपये का पेट्रोल, कहीं पे 90 रुपये लीटर है, कभी तो मुंबई वगैरह जैसे शहरों में 100 रुपये के ऊपर है पेट्रोल, तो 100 रुपये का आप पेट्रोल 1 लीटर डलाते हैं और आप चलते हैं 40 किलोमीटर या सिटी में 35 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपका जो पर लीटर कॉस्टिंग आ रहा है वो जो है 2 रुपये के आसपास आ रहा है। तो आप बाइक पे चल रहे हो 2 आदमी, कार में चल रहे हो 5 आदमी, बाइक पे एसी ओसी है नहीं, धूप में मर रहे हो, कार में चल रहे हो एसी में, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है सीएनजी गाड़ी आज के समय में। आने वाला टाइम तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का होने वाला है, वो और भी ज़्यादा किफ़ायती होंगी, लेकिन इस समय फिलहाल सीएनजी एकदम धमाल मचाया हुआ। अगर आपके शहर में सीएनजी है तो आप भी ले लो, और एकदम ऐसा होगा कि चाबी लगाने में सोचना नहीं है, बस चाबी लगाना चल देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, माता की जय। जय हिंद, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक ये बाय।